हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला डिज़ाइन। देखिए, ये इस तरीके से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और ये बहुत ही सुंदर लगेगा अगर आप इसे लेडीज़ कार्डिगन्स में डालें, और बेबी प्रोजेक्ट्स में भी इसे आप डाल सकते हैं। बेबी सेट्स पे डाल सकते हैं, कार्डिगन्स पे, ब्लैंकेट्स पे भी डाल सकते हैं, और इसे जैकेट्स पे भी डाल सकते हैं। जेंट्स जैकेट्स पर भी डाल सकते हैं आप। जेंट्स जैकेट्स जो फ्रंट से ओपन होती हैं उन पे ये अच्छा लगेगा। और ये पैटर्न जो है बहुत ही आसान है बनाना, और बिगिनर्स भी इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। एक ही बार में आप इस वीडियो को फॉलो करके जो है सीख जाएंगे। रॉन्ग साइड पे सारी की सारी सिलाइयाँ जो हैं बहुत आसान हैं, सिर्फ हम फ्रंट साइड से ही इसे बनाएंगे, और फ्रंट साइड की रोज़ भी बहुत आसान है। इसे मैं शुरू कर रही हूँ रॉन्ग साइड से। रो वन हम रॉन्ग साइड से बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए बॉर्डर आप बना लीजिए, जैसा भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हैं। और उसके बाद ये पैटर्न जो है, देखिए, ये बहुत ज़्यादा ना खुलता है और श्रिंक बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप उस हिसाब से जो है इस पैटर्न को बना सकते हैं। उतने आप फंदे ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो 12 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है। फ्रंट बैक साइड से हम रॉन्ग साइड से इसे शुरू करेंगे बनाना। फ्रंट साइड पे हम 12th रो लास्ट रो बनाएंगे। और इसके लिए फंदे देखिए हमने किस हिसाब से लेने हैं। यहाँ देखिए, ये जो डिज़ाइन है ये डिज़ाइन है 13 फंदों का। यहाँ पे मैंने 13 फंदे लिए हुए हैं। आप इसी तरीके का सेम डिज़ाइन जो है अगर थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं तो 11 फंदों का बना सकते हैं, और अगर उससे भी छोटा बनाना चाहते हैं तो 9 फंदों का बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप अगर इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 15 फंदों पे बना सकते हैं। तो ऐसे आप फंदे ले सकते हैं। और उसके बाद दो दो फंदे यहाँ पे मैंने बीच में जो है वो उल्टे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप कोई दो या चार या तीन फंदों का कोई पैटर्न जो है छोटा, वो आप इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। या आप ये दो फंदे जो मैंने उल्टे रखे हुए हैं दो पैटर्न्स के बीच में, तो यहाँ पे आप ये सीधे सीधे भी बुन सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो आप इसी तरीके से बनाइए। तो ये जो है 13 फंदे मैंने लिए हुए हैं इस डिज़ाइन के लिए, दो दो फंदे उल्टे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने देखिए फंदे जो लेने हैं वो लेने हैं 15 के मल्टीपल में, 15 प्लस 15 प्लस 15, ऐसे हम फंदे लेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो है चार फंदे एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने तीन बार बनाया हुआ है, और अब यहाँ पे मैं एक ही बार आपको बना के बता रही हूँ, क्योंकि आसान डिज़ाइन है तो आप एक बार में ही इसे आराम से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे जो है फंदे लिए हुए मैंने 19, तो बीच के 13 जो फंदे हैं उन पर डिज़ाइन डालेंगे। तो मैं रॉन्ग साइड से शुरू कर रही हूँ। तो रॉन्ग साइड से हमने देखिए रो वन किस तरीके से शुरू करनी है। तो फ्रंट साइड पे आप बॉर्डर ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद रॉन्ग साइड से रो वन। देखिए, अगर आपको रो वन जो है नहीं बनानी है, आप डायरेक्ट जो है रो टू से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रंट साइड से इस पैटर्न को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक फंदा स्लिप करेंगे इस तरीके से, और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे ऐसे। उसके बाद धागा अपनी ओर करेंगे और 13 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये 13 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। उसके बाद लास्ट में हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 13 उल्टे और दो सीधे, ये जो है हमने एंड तक रिपीट करते जाना है, और एंड में स्टिच हम सीधा ही बुन लेंगे। उसके बाद हम आ गए हैं फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे अब देखिए रो टू बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उसके बाद दो उल्टे फंदे नजर आएंगे, उन्हें हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है ऐसे। उसके बाद धागा कर लेंगे पीछे, और यहाँ पे डालेंगे एक और एक जाली इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे पांच फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बुनने के बाद तीन फंदे हम इस तरीके से
पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए तीन का एक यहाँ पे कर लेंगे ऐसे। उसके बाद पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद हम ऐसे जाली डालेंगे यहाँ पे और लास्ट में दो फंदे उल्टे। तो पहले तीन फंदे छोड़ देंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे 15 फंदे हमने जैसे बुने हैं वैसे ही रिपीट करते जाएंगे और इस तरीके से एंड में हमें एस एच मिलेगा, वो हम उल्टा बना लेंगे। तो रो टू हम इस तरीके से बनाएंगे, उसके बाद रो थ्री रॉन्ग साइड पे। तो ये तो हमारी इसी तरीके से चलती जाएगी, अब जो साइड में दो दो फंदे आते जाएंगे वो सीधे सीधे बनाते जाएंगे और बीच में 13 फंदे हैं वो हम उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे। तो जाली वाले फंदों के साथ जो है ये 13 फंदे बनते हैं, ये हमने बीच में उल्टे बनाते जाना है। तो रो वन हम जैसे बनाते हैं वैसे ही सारी की सारी रॉन्ग साइड की रो बनानी है। तो अब आ गए हैं फ्रंट साइड पे, अब बनाएंगे रो फोर। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे नजर आ रहे हैं उन्हें उल्टा बुन लेंगे। अब धागा कर लेंगे पीछे। अब देखिए जो जाली से बना फंदा है एक, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद एक डालेंगे ऐसे जाली और चार फंदे बुनेंगे सीधे, एक दो तीन चार। चार फंदे सीधे बुनने के बाद अब तीन का एक हम इस तरीके से करेंगे जैसे पहले किया हमने रो टू में, ऐसे धागा थोड़ा सा खींच लेंगे पीछे को। चार फंदे सीधे, ऐसे। उसके बाद एक डालेंगे जाली, एक फंदा बुनेंगे सीधा, उसके बाद दो फंदे बुनेंगे उल्टे। तो ये शुरू के तीन फंदे छोड़ दीजिए, ये बीच में हमने जो 15 फंदे बुने हैं ऐसे ही रिपीट करते जाना है और एंड में एस स्टिच आएगा उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो अब रॉन्ग साइड पे रो फाइव बना लेंगे। फ्रंट साइड पे रो सिक्स बनाएंगे, छठी सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे दिखाई देंगे, इन्हें उल्टा ही बनाना है ऐसे। धागा कर लेंगे पीछे। अब दो फंदे हमने सीधे बनाने, ये दोनों जाली से बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ डालेंगे एक जाली और अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। तीन फंदे सीधे बुने, उसके बाद तीन का एक करेंगे ऐसे। उसके बाद धागा थोड़ा सा खींच लेंगे हल्का सा और तीन फंदे सीधे ऐसे, एक जाली दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे फिर धागा आगे करके उल्टे बुनेंगे ऐसे। तो ये शुरू के तीन फंदे छोड़ दीजिए, इसके बाद जो 15 फंदे हमने बनाए हैं रिपीट करते जाना है और एंड में एज स्टिच आएगा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। सातवीं सिलाई बना लेंगे। अब बनाएंगे आठवीं सिलाई, एट रो। पहला फंदा स्लिप करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा कर लेंगे पीछे। अब यहाँ पे तीन फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक दो तीन। एक जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, तीन का एक, तीन का एक कर दिया। अब इसके बाद तीन फंदे सीधे, एक डालेंगे जाली, दो फंदे सीधे। देखिए यहाँ पे दो फंदे सीधे बुने तीन का एक करने के बाद, इसके बाद जाली डालनी है और उसके बाद तीन फंदे, ये तीनों जाली से बने हुए तीन सीधे बुनने हैं ऐसे। उसके बाद दो फंदे उल्टे। तो ये 15 फंदे शुरू के तीन फंदे छोड़ देंगे, ये 15 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे एंड में। शुरू के तीन फंदे ऐसे बनाएंगे, फिर ये 15 फंदों का रिपीट पैटर्न है, एंड में एज स्टिच हम उल्टा बुन देंगे ऐसे। रॉन्ग साइड पे बुन लेंगे सिलाई। तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे हम 10th रो, 10वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, इस बार हम चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार।
फिर डालेंगे एक जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन का एक करेंगे ऐसे। इसके बाद एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। उसके बाद दो फंदे उल्टे। तो फ्रेंड्स तीन फंदों को छोड़ दीजिए शुरू के, ये ऐसे बनेंगे। उसके बाद 15 फंदे ये रिपीट करते जाना है और एंड में स्टिच उल्टा बनाना है। तो अब 11वीं सिलाई बना लेती हूँ। तो अब आ गए हम लास्ट रो, 12वीं सिलाई, 12th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, शुरू के तीन फंदे हम ऐसे बना लेंगे। उसके बाद धागा कर लेंगे पीछे। अब हम देखिए पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। उसके बाद डालेंगे एक जाली, फिर ये तीन का एक करेंगे ऐसे। उसके बाद डालेंगे एक जाली, फिर पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच। उसके बाद दो फंदे उल्टे ऐसे। तो ये शुरू के तीन फंदे छोड़ दीजिए, ये 15 फंदे हम ऐसे बनाते जाएंगे एंड तक, और एंड में स्टिच बुनेंगे उल्टा। तो फ्रेंड्स ये हमने 12 सिलाइयां जो हैं कर ली हैं कंप्लीट, और अब इन्हीं 12 सिलाइयों को हमने बार बार करते जाना है रिपीट। तो यहाँ पे जो है ये मैंने तीन बार बनाया हुआ है, इस तरीके को भी और इस तरीके को भी। तो जो पहली बार हमारा डिज़ाइन बनता है ये पूरा हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए जो हम नेक्स्ट रिपीट करते जाते हैं तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी एक शेप देता है, उभर के आता है, और ये इस तरीके से बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए, तो वीडियो पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। इसी तरीके की नई नई वीडियोस जो है मैं लेके आती रहूँगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। और ये देखिए, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप नीटिंग एंड स्टे हेल्दी।